वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 5, दैट इज हैंडलिंग ए माउस। लेट्स सी, ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस टू मूव द पॉइंटर एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो माउस का यूज क्या है? ओ माउस इज नथिंग बट वन इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस, एंड ये हमें क्या मदद करता है कंप्यूटर का स्क्रीन में कोई भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, हम इसको यूज करते हैं। ओके, इट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज ए टेल व्हिच इज अटैच्ड टू द सीपीयू। सो हियर द रैट वी आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक माउस। ओके, इट लुक्स लाइक ए रियल माउस, इट लुक्स लाइक ए रियल माउस। यू सी, दिस इज द लेफ्ट साइड बटन, देन मिडिल वन इज द माउस, मिडिल वन इज द सर्कल बटन। ओके, एंड राइट बटन। ओके, थ्री बटन्स आर देयर एंड द पर्पल कलर, दैट इज कॉल्ड एज माउस पैड। द बटन ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज लेफ्ट बटन एंड द बटन ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड एज राइट बटन। क्लियर? कमिंग टू द माउस पॉइंटर, यू सी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड यू सी माउस पॉइंटर, दैट इज एरो मार्क। What is the use of this? It is a slant arrow on the screen which shows mouse movement. मतलब तुम माउस को जब यूज कर रहे हो ना, तुम्हारा पॉइंटर कहाँ पे है उसको दिखाने के लिए या कोई भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए ये एरो मार्क तुम्हें यूज करना पड़ेगा। क्लियर? द माउस हैज ए बॉल एट इट्स बटन, एज यू मूव द माउस द पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। On which way you have to movable your mouse accordingly that direction your mouse pointer is also move. Okay. Next, coming to mouse pad. नीचे हम लोग माउस का नीचे जो रखते हैं उसका काम क्या है? What is called mouse pad? The pad on which we move the mouse is known as the mouse pad. Obviously, जिसके ऊपर हम लोग माउस रख के मूव करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं माउस पैड। नेक्स्ट, होल्डिंग एंड मूविंग द माउस, मतलब होल्ड एंड मूविंग द माउस, वॉट इज दैट? कीप द माउस ऑन द माउस पैड, माउस पैड के ऊपर रखो। ओके, प्लेस योर पाम ऑन द माउस एंड होल्ड इट विथ योर थम एंड लास्ट टू फिंगर्स। थम के साथ लास्ट टू फिंगर्स हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, पाम योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन एंड यूज मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन। ऑब्वियसली राइट बटन में हम लोग अपना मिडिल फिंगर को यूज करेंगे एंड फोर फिंगर को हम लोग लेफ्ट साइड में यूज करेंगे। क्लियर? मीन्स हियर इट इज एक्सप्लेन और हियर इट इज टेलिंग अबाउट हाउ यू हैव टू यूज योर माउस इन प्रॉपर वे। देन मूव द माउस ऑन द माउस पैड वॉज द मूवमेंट ऑन द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एज यू मूव द माउस। मतलब स्क्रीन में माउस तुम जैसे मूवमेंट करते हो वैसे ही तुम्हारा एरो मार्क या पॉइंटर कैसा मूव कर रहा है, दैट इट इज टेलिंग। ओके, वेरी सिंपल स्टेप्स, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ए माउस, व्हाट इज द फंक्शन, मतलब माउस का काम क्या है? ओके, क्लिकिंग, व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ ए माउस वंस एंड रिलीज इट दैट मेक्स ए क्लिक साउंड, दिस इज कॉल्ड ए क्लिकिंग। मतलब तुम एक बार माउस को लेफ्ट क्लिक करो या राइट क्लिक करो, एक बार तुम करोगे ना क्लिकिंग साउंड आता है। ओके, दैट इज कॉल्ड क्लिकिंग। लेट्स ट्राई, मूव द पॉइंटर एंड पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर में कोई भी आइकॉन हो या कोई भी फोल्डर को हो तुम लोग उसको क्लिक करो। प्रेस द लेफ्ट बटन एंड रिलीज इट, एक बार लेफ्ट बटन को प्रेस करके रिलीज करो, छोड़ दो। द ऑब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड, मतलब वो फाइल सपोज तुम सिलेक्ट किया ना, देन इट विल बी ओपन दैट फाइल या फोल्डर। क्लियर? देन डबल क्लिकिंग, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस विदाउट स्टॉपिंग एंड रिलीजिंग इट कॉल्ड एज डबल क्लिकिंग। कोई भी फाइल को ओपन करना है देन वो फाइल के ऊपर जाके अपना माउस का पॉइंटर जो है ना उसको डबल क्लिक कर देना, दो बार कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग जस्ट क्लिक ऑन दैट, इट इज कॉल्ड एज डबल क्लिकिंग। लेट्स ट्राई, मूव द पॉइंटर टू द कंप्यूटर आइकन, डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, द कंप्यूटर विल
or the computer windows will automatically will be open. So now, what do you mean by right clicking? Pressing and release the right mouse button once will show a list of commands on the computer. जब तुम राइट क्लिक करोगे कंप्यूटर का मॉनिटर का और कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन हो या मॉनिटर हो, ओके, ऑटोमेटिकली वन राइट क्लिक व्हेनेवर यू विल डू सो वन लिस्ट ऑफ मेनू विल कम. लेट्स ट्राई, मूव द माउस पॉइंटर टू कंप्यूटर एंड राइट क्लिक ऑन दैट, यू विल गेट लिस्ट ऑफ कमांड्स. ओके, लिस्ट ऑफ कमांड्स लाइक फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू पर्सनलाइज, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन use it. Next is what? Dragging. To move an item or an object by holding the left mouse button to a new place on the screen is called as dragging. Suppose, what do you mean by dragging? Let me explain. Suppose one file or folder is there, you have to drag it. How to drag it? Suppose you have to click on that particular file, left click, hold your mouse, left click. Then you just move your mouse, automatically the file also going to drag it. Here, in this way, the operation is happened. So that's why it is called as dragging. Clear?